हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर के क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करवाई थी लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 12th सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए मेन बुक फ्लैमिंगोज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, चैप्टर नंबर 4। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है एंड इसमें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में दिया हुआ है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स इन दिस स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर की जो राइटर है सेल्मा लैगरलॉफ, एक स्वीडिश ऑथर। और ये बनाना जरूरी क्यों है? बस इसीलिए, बहुत अच्छी चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट वुमेन राइटर टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में ये फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट वुमेन राइटर है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस स्टोरी की थीम क्या है? थीम बहुत जरूरी है। इस स्टोरी की थीम क्या है? द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। किसी भी इंसान की अच्छाई अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग लव के थ्रू उसके अंदर की इंसानियत उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। मेन कैरेक्टर है पैडलर। और जो पैडलर है, इट इज और ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, अ पैडलर। A poor man who sold rat traps for living and petty thieves. एक गरीब आदमी है जो rat traps, जो छोटी-छोटी rat traps बेचता है और जब कुछ नहीं होता तो छोटी-मोटी चोरियां कर लेता है। ठीक? Number two, crofter, an old crofter, a simple, trusting person robbed by peddler. Crofter कौन होता है बेटा? Crofter और दूसरा character है जो कि old man होता है और peddler इसको rob कर लेता है, इसको लूट लेता है। Next, the iron master. Iron Master, a stern and law-abiding person, stern थोड़ा कड़क इंसान होता है, law-abiding person, कानून को मानने वाला आदमी होता है। And the last one, Adela Williamson, Adela, the Iron Master's daughter, is a kind and compassionate lady. Adela Williamson, Iron Master की बेटी होती है, बहुत ही kind और generous lady होती है। अब हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो ध्यान से सुनना बेटा, वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, वीडियो अंत तक देना, लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई बात समझ, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो शुरू करें, रेडी? चलो चलते हैं। देयर वाज अ वैगाबोंड रैट ट्रैप सेलर वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। एक वैगाबोंड, वैगाबोंड इज अ पर्सन हु कीप्स ऑन रोमिंग हियर एंड देयर, जो इधर उधर घूमता रहता है। ठीक, और वो रैट ट्रैप सेलर है, रैट ट्रैप्स भी बेचता है और जो इधर उधर अपने घूमता रहता है। ठीक, his clothes were in rags, cheeks were sunken, hunger in his eyes, उसके कपड़े फटे हुए। कभी कभी इधर कैरेक्टर स्केच भी आता है उसके बारे में, तो मैं बता दूं, जो पैडलर है, जो वैगाबॉन्ड है, जो रैट ट्रैप्स बेचता है, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, उसके कपड़े फटे हुए हैं, sunken cheeks, गाल में गड्ढे हैं और हंगर इन हिज आईज, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख रहती है बेचारे। एंड वन डे एन अम्यूजिंग थॉट, द वर्ल्ड वाज अ बिग रैट ट्रैप। अचानक उसके मन में एक विचार आया, बहुत ही अजीब सा विचार आया कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, द होल वर्ल्ड इज लाइक रैट ट्रैप एंड द बेड्स आर ऑफर्ड लाइक कंफर्ट्स, क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर्स, ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप है और उस रैट ट्रैप में हम जैसे ह्यूमंस को फंसाने के लिए बेट्स, मतलब चारा, बेट क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंफर्ट्स, कपड़े, मकान, घर, लग्जरीज, हम इसके पीछे भागते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसमें फंस जाते हैं। वी द ह्यूमन आर लाइक रैट्स, हम सारे इंसान रैट की तरह है और ये पूरी दुनिया क्या है बेटा, एक रैट ट्रैप है। और जो बेट उसमें लगता है, जो चारा लगता है चूहे को फंसाने के लिए, चीज, पॉक, जो भी आप डालते हो, रोटी वगैरह जो भी, तो चूहा उसकी तरह रैट आता है, बेचारा फंस जाता है। ठीक बेटा, तो इसी तरह से उसके मन में एक फिलोसॉफिकल थॉट आया कि पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है
और कितने जबरदस्त थॉट आए, पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, वी ह्यूमन बीइंग वी आर लाइक रैट्स एंड हम उसके पीछे भागते हैं, बेट के पीछे भागते हैं। बेट क्या है बेटा? लग्जरीज, कंफर्ट्स, बंगलोज, फूड एटसेट्रा, और इतने ऐसा आता है हम फंस जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। Paddler met to Crofter in the cottage near road once. Crofter in the iron world. जा रहा होता Paddler, अचानक रोड के किनारे उसको एक छोटा सा कॉटेज देखता है, वहां पे जाता है, नॉक नॉक करता है, और वो कॉटेज किसका होता है? एक ओल्ड क्रॉफ्टर का होता है। ठीक, और वो उसको बुला देता है। शेयर द फैक्ट दैट ही हैड 30 क्रोनर्स बाय सेलिंग काउ मिल्क, दोनों में बहुत अच्छी बातें होती है। दोनों में जो क्रॉफ्टर है अपने घर में बुला देता है, उसको अंदर आने देता है, उसको शेटर देता है, फूड देता है, टोबैको देता है, और दोनों मिलके प्ले कार्ड्स खेलते हैं। ठीक है, और गेम वगैरह खेलते हैं, और फिर लास्ट में बात करते करते वो बता देता है, क्रॉफ्टर अपनी सारी बातें, बेचारा दिल का बहुत साफ होता है, वो सारी बातें बता देता है कि मेरे पास 30 क्रोनोर्स, 10 क्रोनोर नोट के मेरे पास 30 क्रोनोर्स टोटल है। ठीक है, और ये कैसे मिले हैं? बाय काउ मिल्क, मेरे पास एक गाय है, दूध देती है, उसी से मुझको मिला है, और वो पाउच ला के उसको दिखा भी देता है, बेचारा इतना सीधा। पैडलर को वो पाउच जिसमें 30 क्रोनोर्स रखे गए उसको दिखा भी देता है। ठीक, आगे बात करते हैं। इन द मॉर्निंग पैडलर स्मैश्ड द विंडो पैन एंड टुक आउट 30 क्रोनोर्स। रात में दोनों सोते हैं, सुबह उठ के दोनों साथ में निकलते हैं उस कॉटेज से बाहर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पैडलर वापस आता है और पीछे से विंडो पैन तोड़ के उस जो पाउच में 30 क्रोनोर्स रखे गए उसको चुरा के लेके चला जाता है। ठीक, आगे की कहानी ध्यान से सुनना, स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ रहिए बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब आगे की बात करते हैं। पैडलर प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस अवॉइडेड पब्लिक हाईवे टर्न टुवर्ड्स अवॉइड पुलिस। पैडलर बहुत खुश हुआ, पैडलर भी रैट ट्रैप सेलर, बात एक ही है, चाहे पैडलर बोलो, चाहे रैट ट्रैप सेलर बोलो, चाहे वैगाबॉन्ड बोलो, चाहे ट्रैंप बोलो, चाहे मैं एक चीज आपको बता दूंगी, कभी कभी पेपर में ये चीज आपको मैं आपको बता सकता हूं, आप किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, कभी कभी पेपर में आता है कि पैडलर को, रैट ट्रैप सेलर को कितने नामों से इस बुक में लिखा गया है, तो 5 नेम्स देखते हैं। और अगर हम बात करें यहां से शायद आपको बेटर दिखेगा, 5 वर्ड्स यहां पे यूज किए गए हैं पैडलर के लिए, वैगाबॉन्ड, पैडलर, रैट ट्रैप सेलर, ट्रैम्प एंड रैगामफिन। रैगामफिन मतलब अ पर्सन हु इज इन रैट्स, जो चिथड़े में हो, जिसके कपड़े फटे हुए। फिर वो बड़ा खुश हुआ, 30 क्रोनोर्स लेकर रास्ते में जा रहा था, उसने सोचा कि अगर मैं मेन हाईवे से जाऊंगा पुलिस मुझे पकड़ सकती है, इसलिए उसने जंगल का रास्ता चुना। ठीक है, he went into woods. Lost in the woods, recovered his thoughts, the world being a rat trap. और फिर वो जंगल में गुम हो गया, शाम तक इधर उधर जहां से चले वापस वहीं पे आ जाए, चलते चलते वो परेशान होकर डर गया कि अपन फंस गया जंगल में। अब उसको वही ओल्ड थॉट्स, उसका खुद का अम्यूजिंग थॉट्स उसके मन में आ गया, क्या बेटा? कि the whole world is like a rat trap and we the humans are like rats, और हमको फंसाने के लिए बेट इस्तेमाल होता है। उसको लगा कि मेरे लिए बेट क्या है, पैडलर को लगा कि मेरे लिए बेट क्या है, वो 30 क्रोनोर्स वो मेरे लिए बेट है, मैं फंस गया। आगे देखते हैं। he had left himself be fooled by the bait, उसे लगा मैं तो फंस गया 30 क्रोनोर्स चुरा के। With exhaustion, sank down to ground, waiting for last moment. इतना थक गया ठंड के मारे, जनवरी का मंथ था और it was drizzling at the same time. So that's why वो उसको लगा कि अब मैं गया। ठीक है, he fell down on the ground and waiting for the last moment to come. फिर hard regular thumping sound of the hammer walked in the direction. जैसे ही वो जमीन में गिरा, आपको पता है जैसे जमीन में गिरा उसके कानों में थंप की आवाज है, लगता था कहीं से रेगुलर धम धम की आवाज आ रही है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड मीडियम। सो वो उसी के डायरेक्शन में जहां से हैमर के थंप की आवाज आ रही थी, पैडलर उसी डायरेक्शन में चला गया जब वो जंगल में गुम हो गया था। चलो आगे की बात करते हैं। रीच्ड रैम्जो आयरनवर्क, मास्टर ब्लैकस्मिथ परमिटेड हिम। फिर उसके बाद वो पहुंच गया रैम्जो आयरनवर्क, रैम्जो आयरन वर्क पहुंच गया, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी आयरन की, ब्लैकस्मिथ था वहां पर, उसका अप्रेंटिस था, हेल्पर था, उनसे परमिशन मांगी और चला गया। कम से कम वहां पे फर्नेस थी उसके सामने अपने को गर्मी लाने के लिए। ठीक, आगे की बात, स्टे कनेक्टेड बेटा, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। सो आयरन मास्टर केम एंड एट रेगुलर विजिट मिस्टूक द पैडलर एज एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड एज अ मेल्स ऑल ऑफ। थोड़ी देर बाद
अगर फिर हम बात करें थोड़ी देर बाद रैंजो आयरन वर्क का मालिक, जिसको इस पूरे चैप्टर में आयरन मास्टर के नाम से जाना गया है, रैंजो आयरन मिल का मालिक जिसे इस चैप्टर में आयरन मास्टर के नाम से जाना गया, वो आता है रेगुलर विजिट पे, वो देखता है उसको, किसको, पैडलर को देखता है, और क्योंकि लाइट कम होती है वो पहचानता है, उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड है, ही वाज मिस्टेकन, आयरन मास्टर वाज मिस्टेकन कि ये तो मेरा दोस्त पड़ा हुआ है यहां पर, कौन सा दोस्त, हिज ओल्ड कॉमरेड, कौन सा, नील्स ओलोफ, क्या नाम बेटा, आयरन मास्टर ने पैडलर को क्या समझा कि ये मेरा फ्रेंड है नील्स ओलोफ, और उसके पास पहुंचा और उसको ही ट्राइड टू परसुएड हिम कि मेरे घर चलो, ठीक, आगे देखते हैं, आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम बट ही डिनाइड, आयरन मास्टर ने कहा मेरे घर चलो लेकिन पैडलर ने मना कर दिया, आयरन मास्टर टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ एलिजाबेथ वाज डेड, सन्स वर सेटल्ड अब्रॉड लिव्ड विद हिज सेनेटर, आयरन मास्टर ने कहा मेरी वाइफ एलिजाबेथ इज ऑलरेडी डेड, मेरे बच्चे अब्रॉड हैं और मैं अकेली अपने घर में अपनी बेटी अपनी डॉटर एडला विलियमसन के साथ रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरे साथ, लेकिन वो नहीं गया। आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला, शी ट्राइड टू कंफर्ट हिम, आयरन मास्टर अपने घर गया, उसने सोचा कि मेरी बेटी का पर्सुएशन ट्रिक्स बहुत अच्छी है, उसने अपनी बेटी को भेजा, थोड़ी देर बाद एडला विलियमसन आई उसी में आयरन वर्क में और उसको बताया, उसको बोली कि चलो, पैडलर को बोली कि चलो मेरे साथ चलो, then she sensed Pedler was either thief or an escaped prisoner. अगला विलियमसन को पता चल गया, उसे लगा कि ये कोई या तो thief है या तो कोई escaped prisoner है, या तो कोई चोर है या तो कोई जेल से भागा हुआ है, उसे लग गया, क्योंकि वो किसी एंगल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसको अपने कंफर्ट में लिया, उसको आराम से समझाया और वो रेडी हो गया, और पैडलर रेडी हो गया अगला विलियमसन के साथ उसके घर जाने के। Next day was Christmas Eve. Peddler entered with well-groomed look. अगले दिन, next day, कहानी बस बड़ा थोड़ी देर के लिए और है। देखो, सिंपल सी बात है कि मैं खुद चाहता हूँ कि वीडियो छोटी से छोटी बने, लेकिन आपको पता है ये चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप, अगर हम क्लास में जब इसका लेक्चर देते हैं, मैं खुद जब क्लास में लेक्चर देता हूँ बेटा, कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स हो जाते हैं, एक पीरियड स्कूल में, एक पीरियड ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का होता है, तो कम से कम 3 days, 4 days, or 5 days लग जाते हैं, 3 lectures or 4 lectures लग जाते हैं, और इसी बात को मुझे 20 मिनट्स के अंदर आपको समझा रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम, प्लीज ग्रांट मी, ओके, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ी देर की बात है। नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी, तो डाइनिंग टेबल पे एडला विलियमसन ने अपने फादर से कहा, फादर वो मुझे किसी भी एंगल से आपका दोस्त नहीं लगता, लेकिन उसके फादर ने कहा नहीं बेटा, अभी वो वेल ग्रूम्ड होके आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा, बट उसके बाद देखते हैं, आयरन मास्टर रियलाइज्ड ही वाज मिस्टेकन एंड गॉट एंग्री, जब वो वेल ग्रूम्ड होकर अच्छी तरह से एकदम सूट वूट पहन के, जब पैडलर फुली शेवन और हेयर कट करवा के अच्छे कपड़े पहन के नहला धोला के जैसे जब आया, तो डे लाइट में आयरन मास्टर ने पहचान लिया कि उसने गलती करी, ये मेरा दोस्त तो है नहीं, सो ही गॉट एंग्री, आयरन मास्टर बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, पैडलर के ऊपर, कि तुमने क्यों बहाना बनाया, तुम मेरे घर पर क्यों आया, उसने कहा मैं कहाँ आया, मैं तो मना कर रहा था, आप ही मुझे लेके आए, सो Peddler was ready to go out with his rags, but Adla wanted to stay back. Peddler बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? ये लो अपना सूट, मुझे मेरे चिथड़े दो, मैं पहन के जा रहा हूँ. But Adla Williamson जिसकी बेटी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, she was very kind and generous lady. Very kind and generous lady. उसने कहा नहीं. उसने कहा कि she felt that they had promised him Christmas cheer. उसने कहा कि नहीं पापा, हमने उसको बुलाया, नहीं डैडी, हमने उसको बुलाया हुआ है, हमने बुलाया, फिर उसको वापस भेजना, वो भी क्रिसमस ईव के लिए, नहीं, इसको हम नहीं जाने देंगे, इसको हम यहाँ पे आज रख लेते हैं। पैडलर अलाउड टू स्टे, ही ओनली स्लेप्ट होल डे, उसके फादर ने कहा कोई बात नहीं, तो पैडलर वाज अलाउड टू स्टे एट देयर होम, ही डिडंट डू एनीथिंग थ्रू आउट डे, ही ओनली स्लेप्ट, कुछ नहीं किया, बस पूरे दिन सोया, ऐसा सोया मानो जिंदगी वो कभी नहीं सोया था। आप समझ सकते हो बेटा, ये स्टोरी चल रही है और स्टोरी को आप फील कर सकते हो, यू कैन फील दैट। सो एडला टोल्ड हिम टू कीप हिज फादर्स सूट एज गिफ्ट, उसके बाद एट इवनिंग एक दूसरे को गिफ्ट लेने देने की बारी आई, तो एडला विलियमसन ने पैडलर को बताया, रैक्टर सेलर को बताया कि जो तुमने मेरे फादर का सूट पहना है, वन ऑफ द बेस्ट सूट, ये तुम्हारा हुआ, हमने तुमको गिफ्ट किया, और साथ में ये भी कहा सिंस ऑनवर्ड, इसके बाद से कोई भी क्रिसमस, इसके बाद से एवरी ईयर जितने भी क्रिसमस आएंगे, तुम एडवांस में इनवाइटेड हो, कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, किसी हालत में हो, तुम यहां पर इनवाइटेड हो।
नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल मास्टर एंड एडला वेंट टू चर्च. अगले दिन सुबह आई विल मास्टर और एडला विलियम्स उसके बेटे दोनों चर्च गए चर्च सर्विस के लिए. ठीक है, एक रिचुअल होता है, वहां पे गए एंड दे लर्न दैट पैडलर रॉब्ड एन ओल्ड कॉक्टर. और वहां पे जाके चर्च में जाके आयरन मास्टर और उसकी डॉटर एडला विलियमसन को पता चलता है कि उनके यहाँ काम करने वाला एक ओल्ड क्रॉफ्टर को किसी पैडलर ने लूट लिया है, उसके 30 crores चुरा लिए हैं. फिर उसके बाद क्या है, दे थॉट दैट पैडलर वुड हैव एस्केप्ड विद ऑल सिल्वर्स एंड वैल्यूएबल्स. आयरन मास्टर और एडला विलियमसन सोचने लगे कि अब लगता है घर में कोई सामान नहीं बचा होगा, जितने भी सिल्वर स्पून सिल्वर आर्टिकल्स होंगे जितनी वैल्यूएबल थिंग्स होंगी सब कुछ चुरा के पैडलर भाग गया होगा. उन्होंने ऐसा सोचा व्हेन देयर वाज व्हेन दे वर रिटर्निंग टू होम इन हिज कार इन देयर कार. ओके, सो द वॉलेट्स इन्फॉर्म दैट द फेलो हैड लेफ्ट बट नॉट टेकन एनीथिंग. द वॉलेट, वॉलेट क्या होते हैं बेटा, जो पर्सनल अटेंडेंट होते हैं. तो जैसे घर पे पहुंचे आयरन मास्टर ने पूछा क्या वो गया का पैडलर है क्या, उन्होंने कहा नहीं वो तो चला गया. द फेलो हैज लेफ्ट बट टेकन नथिंग विद हिम, लेकिन अपने साथ वो कुछ लेके नहीं गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, ही रोट एडला हैड रिटन ही रोट एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन सो ही वांटेड बी नाइस टू हिम. तो उसने बताया कि नहीं वो कुछ भी साथ में लेके नहीं गया है. वॉलेट ने उन दोनों को बताया, पर्सनल अटेंडेंट ने आयरन मास्टर और एडला को बताया कि नहीं वो चला तो गया, पैडलर चला तो गया लेकिन अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया. और इसके बदले में एडला विलियमसन के लिए छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया, गिफ्ट पैकेट छोड़ के गया. और जैसे ही एडला विलियमसन ने वो गिफ्ट पैकेट खोला उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था, उसमें 30 crores थे और एक लेटर था एडला विलियमसन के लिए. ध्यान से सुनना, उस गिफ्ट में क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप, उसके अंदर 30 crores जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के और एक लेटर. ठीक, और उसके बाद देखते हैं पैडलर ही रोट उसने उस लेटर में क्या लिखा था. अब जरा ध्यान से सुनो, एंडिंग आ रहा है. ही रोट एडला हैज ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन सो ही वांटेड टू बी नाइस विद हिम. उसने उसने लिखा था डियर एडला, क्योंकि शेकी हैंड राइटिंग थी, लिखने की अभी प्रैक्टिस तो थी नहीं. उसने लिखा था डियर एडला यू रेज्ड मी यू ट्रीटेड मी रियली लाइक अ कैप्टन. तुमने मेरे साथ कैप्टन जैसा व्यवहार किया, तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मैं सच में कैप्टन हूं, इसलिए मैं कैप्टन वाला ही काम करूंगा. आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुमको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा. सो उसने लिखा कि ही रोट that she treated like him like a real captain, कि तुमने मुझे एक real captain जैसा treatment दिया. So he wanted to be nice with her, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होना चाहता हूँ. I will never want to let you down, मैं तुमको कभी let down नहीं करूँगा. He wanted the money should be returned to Crofter. उसने letter में लिखा कि please ये जो Crofter की money है, ये जो Crofter का जो पैसा है 30 crores please उसको वापस कर दिया जाए. मैं तो बच गया, उसने ये भी लिखा लेटर में, मैं तो बच गया, मैं किसके कारण बचा, एडला विलियम्स तुम्हारे कारण बचा, एकदम मैं फंसते फंसते रह गया. ये 30 crores हैं किसके हैं, क्रॉफ्टर के, ले जाके उसको दे देना. एंड ही एडेड लास्ट लाइन, ध्यान से सुनना, और उसने क्या कहा, उसने कहा ही एडेड ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्केप द रैट ट्रैप ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन. उसने कहा कि मैं इस रैट ट्रैप में फंसते फंसते में रह गया, मैं अगर फंसने से बचा तो कैसे, बिकॉज ऑफ यू एडला विलियमसन, बिकॉज यू ट्रीटेड मी लाइक अ रियल कैप्टन. तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया और मेरी भी कोशिश रही कि मैं भी तुमको आई विल नेवर ट्राई टू लेट यू डाउन, मैं कभी भी तुमको मैं भी तुमको निराश नहीं करूंगा. और लास्ट में साइन उसने क्या किया था पैडलर ने लेटर में, लास्ट में सिग्नेचर किया था कैप्टन वॉन स्टाल. ठीक, तो बेटा इस तरह से ये मैंने समराइज करने की कोशिश की ये चैप्टर, और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा. ओके, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि इसलिए हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ. और आप लोग को अगर ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन सपोर्टिंग.